ऑफिसर उत्तराखंड बनने के बाद आज तक नहीं है। ऑनेस्ट, कई लोग ऑनेस्ट तो होते हैं पर उनका आउटपुट शून्य होता है, उनकी ऑनेस्टी के कारण विकास कार्य ठप हो जाते हैं, उनकी ऑनेस्टी के कारण वो फाइलों में साइन करना बंद कर देते हैं, उनकी ऑनेस्टी के कारण जो है मूवमेंट बंद हो जाती है। लेकिन ये ऐसे ऑनेस्ट एकमात्र आदमी हैं, ये ऑनेस्ट भी हैं लेकिन इनके इनके दौरान विकास कार्यों की गति को भी बल मिलता है, तीव्रता मिलती है, ये साइन करने से घबराते नहीं। लकीली मैंने इनको इनसे बात करी, मैंने कहा भाई साहब आप नमस्कार आप, मैंने कहा देहरादून आ रहे हैं कल, उसके अगले दिन उनको देहरादून आना था टीपीसी के लिए, तो मैंने कहा मुझको आपको मिलना है बहुत ज़रूरी, मैंने कहा महत्वपूर्ण मसले पे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा यार बता दो क्या बात है, तो मैंने बता दी, मैंने कहा ये बात है और प्रॉब्लम ये है कि लोअर पीसीएस की डेट जो कैलेंडर में थी, अपर पीसीएस वाली डेट कैलेंडर में नहीं थी, गैप हो रहा है केवल 6-7 दिन का और उसी बीच में 15-20 दिन के अंदर ही 4-4 परीक्षाएँ हो रही हैं, कैलेंडर में डिस्क्लोज नहीं था, लड़के लोग कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, उनको चलना भी चाहिए और उत्तराखंड के लोगों का बड़ा अहित होने वाला है, इतने अभ्यर्थी हैं, ये सारे के सारे फोकस कर रहे हैं लोअर पीसीएस पे और इनका मेन पीसीएस छूट जाएगा। पहले ही जनरल कैटेगरी में तो जो है कम लोग निकलते हैं उत्तराखंड से, अब की बार तो मुझे लगता नहीं किसी का खाता भी खुलने वाला है। वो समझ गए कि बात सीरियस है, संजीदा है, महत्वपूर्ण है और बात मैं लॉजिकल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे आपको प्रत्यावेदन देना है, उसमें मैंने सब डिटेल लिखा। उन्होंने कहा विक्रांत जी आप कहाँ मिलने बनाने के चक्कर में हो, पता नहीं कल मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, तो उन्होंने का कहना था और मैंने एक घंटे बाद उनको व्हाट्सएप कर दो, उसे मैंने लिख दिया सारा कुछ, ये बात। उसके बाद मैंने कहा भाई वो मेरी बात से क्या इशू से सहमत हो गए, मैंने जो कहा उससे कन्विंस्ड हो गए, उन्होंने मुझे इशारा कर दिया, इशारा कर दिया, मैं सेटिस्फाइड हो गया, मेरे में जान में जान आ गई, मैंने कहा ये काम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो लेकिन हम तो दूध के जले हुए हैं, छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, मैंने कहा चेयरमैन से तो बात हो गई लेकिन उनको शासन में भी बात करनी थी। तो शैलेश बगोली जी मुख्यमंत्री के सचिव हैं और कार्मिक के सचिव भी हैं, ये सब काम देखने का काम उन्हीं का है। तो शैलेश बगोली जी को जो मैं अगले दिन मिलने गया तो उनके एक मिनट की फुर्सत नहीं, मैं सुबह गया मैंने स्लिप भिजवाई, उन्होंने कहा विक्रांत जी लंच के बाद आ जाना, और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त, मैं समझ गया लगातार मीटिंग लगी हुई थी, अंदर भी जो है बहुत लोग बैठे हुए थे, मैंने चांस लिया, मैं बार बार उनके ऑफिस को अप्रोच कर रहा था, मैंने कहा भाई कितनी देर में आ रहे कब आ रहे, तो मैं 1:30 बजे उनके पास पहुंच गया, फिर देखा अंदर तो पूरा बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री भी वहीं बैठे हुए थे उसी फ्लोर पे, और सेक्रेटरी जब थोड़ा मेंटली दबाव में होते हैं जब चीफ मिनिस्टर बगल के कमरे में बैठा हुआ होता है, बार बार बुलाते रहते हैं मुख्यमंत्री लोग, तो मैंने फिर अंदर स्लिप भिजवाई, मैंने लिखा इस पर 1 मिनट 1/2 मिनट अर्जेंट मैटर, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, खड़े खड़े वो निकलने को थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये उत्तराखंड के हित में मैटर लाया हूँ, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का आयोजन होने वाला है, ये विषय है, उन्होंने कहा मैंने सुन को दिया आप प्रत्यावेदन दे दो और मैं शाम को जैसी फ्री होगा इसको पढ़ लूँगा। फिर क्या हुआ, मैंने उस दिन तो नहीं किया संपर्क उनके ऑफिस से, उसके ऑफिस को मैंने नेक्स्ट डे संपर्क किया, मैंने कहा भाई पढ़ा क्या सेक्रेटरी साहब ने वो हमारा लेटर, कह रहे यार वो पैड पे लगा हुआ है जुमरान जी, मतलब उनके टेबल में पैड में 12-15 लेटर्स पड़े हुए अभी तक पढ़ा नहीं, मैंने दिन में वेट करी उस तरह से कॉन्टैक्ट मिला, हुआ नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे लगा यार ये बगोली जी को टाइम ही नहीं लग रहा है, ये काम पे टेढ़ा ना हो जाए, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे आयोग के चेयरमैन को 2-3 बात मेरे पे अभी भी पड़ा हुआ लिख के भेज दी, मैंने कहा कि हो सकता है शासन से देरी हो जाए, 5 से एडमिट कार्ड मिलने शुरू होंगे, आप त्वरित कोई निर्णय लेंगे तो आपके जो है हम हमेशा आभारी रहेंगे और ये उत्तराखंड हित में होगा। मुझे पता चल गया था 5 बजे आयोग में बैठक कॉल कर ली गई, चेयरमैन साहब ने बैठक बुला ली, मैं फिर भी आश्वस्त नहीं था, तो कर्मेंद्र सिंह जो सेक्रेटरी है लोक सेवा आयोग के मैंने उनको 2 फोन किए, तो जब मेरा दूसरा फोन गया तो उनका मैसेज आ गया आई एम इन अ मीटिंग, मैं समझ गया मीटिंग हो गई है। फिर मैंने 7 बजे इसको क्रॉस चेक करने के लिए जब इधर उधर एक पोर्टल में खबर आ गई थी ना कि वो पोस्टपोन हो रहा है पोस्टपोन हो रहा है, तो मैंने सेक्रेटरी लोक सेवा आयोग को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब क्या निर्णय लिया, अरे 14 से 17 अगस्त के बीच में, मैंने कहा निर्णय हो गया ऑफिशियल हो गया, तो मैंने कहा नोटिफिकेशन कहाँ है सर्कुलर कहाँ है, कह रहे बस 15-20 मिनट वेट करो मैं सर्कुलर निकाल के भेज रहा हूँ, मैंने कहा रिक्वेस्ट है मेरे को भी फोटो व्हाट्सएप कर दें, तो उन्होंने मेरे को 7:30 बजे सर्कुलर व्हाट्सएप कर दिया।